जी नमस्कार भाई साहब। विधायक जी नमस्कार हाँ नमस्कार जी, नेपाल सिंह जी। जी, आपका स्वागत है ग्रामीण भारत संवाद में। आपका स्वागत है विधायक जी। और धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं परिचय से स्टार्ट करता हूँ जी। मैं हूँ नेपाल सिंह राणा, विधानसभा थाना भवन जनपद शामली का मैं रहने वाला हूँ। और ग्रामीण भारत संवाद ये इस लॉकडाउन में मैंने मुहिम चलाई है, जिसके अंतर्गत जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे सांसदगण हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हैं, वो कहीं ना कहीं इस मंच के माध्यम से अपनी बात क्षेत्रवासियों के सामने रखते रहें। तो आज की जो चर्चा है विधायक जी, वो है जिला शामली से आप आते हैं, 17वीं विधानसभा में आप विधायक हैं, अभी सिटिंग MLA हैं विधानसभा थाना विधानसभा शामली में। थोड़ा सा मैं आपके बारे में बता दूं, 1986 में आपने MA किया, उसके बाद 1989 में आपने LLB किया चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। मऊ माजरा के आप रहने वाले हैं। नहीं, और दाम की माजरा, दाम की माजरा, जी, आप मुझे सही कर सकते हैं, हालांकि जो मुझे डिटेल हाँ नहीं दी गई मऊ है की, दाम उसके अनुसार। की। जी। और आपको जो वोट मिले थे 2017 में, वो 70,085 वोट मिले थे, और आपने 29,720 वोटों से आप चुनाव जीते थे। और जो पहले जो MLA थे कांग्रेस के, आदरणीय पंकज मलिक जी, उनको 40,365 वोट मिले थे, और आपकी जो जीत का अंतर था वो 29,720 था। तो एक बार आपका पुनः स्वागत है ग्रामीण भारत संवाद में। तो चर्चा की हम शुरुआत करते हैं आदरणीय विधायक जी, जो आज चर्चा का जो विषय है वो है COVID-19 पर जिला शामली व सदर की समीक्षा, और दूसरी रबी की फसल व गन्ने की फसल क्रय विक्रय की समीक्षा। तो मेरा पहला सवाल विधायक जी आपसे है, अभी तक का सफर आपका कैसा रहा? जी विधायक जी। सब पहले तो आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आप इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जी, सफर से आपका क्या, से आपका किस क्या चीज के बारे में सफर, सफर? किस चीज के बारे में सफर? आपने जैसे राजनीतिक सफर आपका, जैसे आप राजनीतिक RSS से सफर, जुड़े रहे। जी। राजनीतिक सफर के बारे में केवल इतना कह सकता हूँ कि जी जब ये मन किया कि जी मेरी सामाजिक सामाजिक क्षेत्र में रुचि बढ़ी, जी जी पढ़ाई के बाद पढ़ाई के बाद तो रास्ते भी करते हैं, या फिर अपना काम देखते हुए शास्त्रीय पाठशाला पढ़ना, जी तो सामने जितनी चॉइस थी उसमें लगा कि एक ही पार्टी जी इसमें कार्यकर्ता का सम्मान और बिना किसी के पैर बिना छुए किसी के पैर छुए जी निष्ठा भाव से समर्पण के साथ कार्य जी करके आप आगे बढ़ सकते हैं, और जी देश के बारे में कुछ लेकर अगर कोई पार्टी सामने आती है जी या उसकी ये खड़ी होती है राष्ट्रीय होती है जी राष्ट्रीय सब चीजों को देखते हुए भाजपा के भाजपा का काम था जी 89 से भाजपा ज्वाइन कर ली थी जी धीरे विधायक जी, आपसे धीरे मैं माफी चाहूंगा, एक बार आपका जो हेडफोन है वो कृपया थोड़ा नजदीक रखें, आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज जी। अब ठीक आ रही है। जी, विधायक जी। जी हाँ तो विकल्प कोई था नहीं, कोई था नहीं, जी भाजपा का आज भी कोई विकल्प आज नहीं भी कोई है, विकल्प नहीं है। और मन में जी संतुष्टि है कि मैंने सही जी फैसला लिया सही था फैसला लिया था और सही पार्टी सही ज्वाइन की पार्टी थी, ज्वाइन सही की थी जी विचारधारा के आधार विचारधारा पर के सामाजिक आधार पर जी क्षेत्र सामाजिक में क्षेत्र में काम काम करना या अपने आप करना या में अपने आप में माफी की माफी तो की मैं भाजपा का भाजपा कार्यकर्ता का हूँ, कार्यकर्ता हूँ। जी अपने आप में अपने आप में अपना सौभाग्य समझता हूँ। सौभाग्य समझता हूँ। जी, जिस विधानसभा से आप विधायक हैं मौजूदा आदरणीय विधायक जी, वो हॉट सीट रहती है हमेशा, कहीं ना कहीं पार्टी को भी लेकर के, कैंडिडेट को लेकर भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति रहती है पार्टी के सामने कि किसको टिकट दिया जाए। लेकिन आप जैसे कि RSS से जुड़े रहे बहुत पुराने समय से, तो संगठन के किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, ये कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान करती है। तो मेरा आपसे जो दूसरा सवाल है विधायक जी, जैसे COVID-19 महामारी चल रही है, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े दे देता हूँ जिला शामली के और उत्तर प्रदेश के। पहले तो सबसे पहले मैं भारत के आंकड़े आपके सामने देना चाहूँगा। अभी तक 33,050 केस आ चुके हैं, जिसमें से अभी तक 8,325
पेशेंट सही हो चुके हैं और 1074 की मृत्यु हो चुकी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की आंकड़े की बात करूं अभी तक तो 2115 केसेस पाए गए हैं जिसमें से 36 की मृत्यु हो चुकी है। अब बात आती है जनपद शामली की, तो जनपद शामली में अभी तक जो सैंपल लिए गए वो 1069 लिए गए जिसमें से 18 केसेस पाए गए, 17 ठीक हो चुके, अभी केवल एक पॉजिटिव है और 942 नेगेटिव आए हैं और जिसमें से 126 की जो रिपोर्ट है वो लंबित है। सहारनपुर मंडल की अगर बात की जाए तो सहारनपुर जनपद में सर्वाधिक कोरोना की स्थिति बरकरार है जिसमें से 172 पेशेंट कोरोना संक्रमित हैं। तो मेरा सवाल है आपसे, जैसे COVID-19 जो महामारी चल रही है तो जनपद शामली और सिटी स्तर पर स्वास्थ्य की सेवाओं की आपकी किस प्रकार से तैयारी है? जी नहीं, तैयारी अच्छी है और ठीक से काम चल रहा है, तभी 18 पेशेंट में से आज एक बाकी है। खुद आप आंकड़े कह रहे हैं जी, शासन प्रशासन अब शासन में तो यहाँ तक कह सकते हैं, माननीय योगी जी के बारे में अगर किसी भी सोशल मीडिया में किसी भी जाएंगे तो एक ही आवाज पूरे देश से आती है, विकास ऐसे मुख्यमंत्री हमारे भी, क्योंकि प्रदेश अपने आप से सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है और 24 करोड़ की जनसंख्या में इस तरह से डील करना अपने आपको बहुत कम आंकड़ों पर सीमित कर देना योगी जी की ही क्षमता हो सकती है और ना देश में इनसे छोटे बहुत से देश हैं और अगर हम तुलना करें देश में नहीं विदेशों में भी इस बात कैसे किया जा सका, किस तरह से संभव होता है। और मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ उदाहरण होते हैं जो इतिहास में दर्ज होते हैं, अपने पिताजी की अंतिम संस्कार प्रक्रिया में नजर कर बहुत बड़ा उदाहरण पूरे समाज के सामने पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है कि अपने आप में अनुकरणीय है, प्रेरणा लेने वाली बात जी। अच्छा, शामली जनपद से विधायक जी एक अच्छी खबर आ रही है कि अभी तक शामली जनपद में एक आंकड़ा देख रहा था, अभी स्टडी भी कर रहा था कल शामली जनपद के बारे में, तो एक आंकड़ा देखने को मिला है कि मास्क बनाने में कहीं ना कहीं शामली जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में अव्वल आया है जिसमें से 2,22,000 मास्क शामली जनपद में बनाए गए और इसमें सबसे खास बात यह है कि 1,62,000 फ्री मास्क बांटे गए, तो कहीं ना कहीं यह एक सराहनीय कदम है शामली जनपद की ओर से और इसमें हम आपका धन्यवाद करते हैं आदरणीय विधायक जी और जो भी प्रशासन में आदरणीय डीएम मैम जो है जसजीत कौर जी, उनसे भी बात हो रही थी मेरी अभी फ़ोन पे परसों, तो उन्होंने भी ये जानकारी दी मुझे, तो ये कहीं ना कहीं शामली जनपद के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो जी स्वागत है विधायक जी, शायद कुछ तकनीकी वजह से कनेक्शन में थोड़ी अवरुद्ध जी। तो मेरा सवाल था विधायक जी आपसे कि गन्ना किसान का जो बकाया भुगतान है वो आपके जो संकल्प पत्र था 2017 में जो संकल्प पत्र जारी किया था योगी सरकार ने उसके अनुसार 14 दिन में भुगतान कहा गया था, लेकिन मिलों का भुगतान अभी भी जस के तस है। मेरे पास आंकड़े हैं कुछ, जैसे नवंबर से बाद का कोई भुगतान नहीं हुआ है थाना भवन शुगर मिल का और शामली मिल का भी नवंबर के बाद का कोई भुगतान नहीं हुआ है, जबकि इस मामले में मेरी बात अभी कुछ पिछले दिनों मेरे साथ राकेश टिकेत जी थे ग्रामीण भारत संवाद में, उनसे भी मैंने इस मुद्दे को रखा था और सुधीर पवार जी थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और योजना आयोग में सदस्य रह चुके हैं, उनके सामने भी ये बात रखी थी और पूर्वांचल से भाई दिग्विजय सिंह देव जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं छात्र सभा के समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तो यात्रा भी की थी सीतापुर के, वो रहने वाले हैं तो सीतापुर से लखनऊ 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी, पैदल मार्च किया था। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश में काफी गंभीर है, इस पर आपका क्या कहना है? जी मैं एक बार मेरी आप पूरी बात सुन लेंगे तो तब मैं, क्योंकि बीच में फिर कोई क्वेश्चन तो उसके बाद ले लेना। जी 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 की सब बताना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हालात ये थे माननीय योगी जी सरकार से पहले, यहाँ पे चीनी मिल बिक रही थी जी। और गागोर की मिल हमारे जिले की बात करूं बिक चुकी थी जी। शामली मिल की स्थिति लगभग यही थी, कुछ हिस्सा उसने अपना बेच दिया था। पितावे की मिल आपके सामने बिकी है,
अधिकतर मिलों की स्थिति थी कि वो पेमेंट करना तो दूर, वो अपना काम भी नहीं चला पा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि चीनी का उद्योग एक घाटे का धंधा हो गया। 20 के लगभग चीनी मिलें बिक चुकी थी पिछली दोनों सरकारों की। हाँ ये जी सारा जी आवाज आ रही है अच्छा, जी तो लगभग 40 मिले जहां बिल्कुल खराब हालात में थी, आज सारी मिले दोबारा से चल रही हैं या उन्हें चलाने के लिए जी जो बची हुई सरकार प्रयासरत है, मिलों की क्षमता बढ़ाई जा जी रही है। तो ऐसा नहीं जी है कि अब दोबारा से चीनी के उद्योग में मिल मालिक भी रुचि लेने लगे। एथेनॉल की परमिशन दे के सरकार ने उनके सामने एक विकल्प और खोल दिया कि चीनी बना सकते हैं, जी चीनी बनाए नहीं फिर एथेनॉल बना सकते हैं। वो धीरे जी धीरे ने 14 दिन का प्रोमिस किया था और संभावना है जितना जल्दी जल्दी वो गैप कम होता जा रहा है। तो हम क्योंकि पहले दिन तो संभव नहीं था, जिस स्थिति में हमें प्रदेश मिला था जैसी हालात मिलों की थी, जी लेकिन इससे कोई मना नहीं कर जी सकता चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो कि पहले के जी मुकाबला मिलों की स्थिति और पेमेंट की स्थिति में काफी सुधार हुआ है जी और सरकार नहीं जो भी। विधायक जी, मैं आपको इस चीज का श्रेय देता हूं कि जो चीनी मिले हैं उनकी हालात जो पहले थे वो उनकी स्थिति पहले से सुधरी है। चाहे उसमें रमाला सुगर मिल ले लो, उसकी अक्षमता बढ़ाई गई है, मैं उसका श्रेय जो तत्कालीन योगी सरकार है उनको देता हूं। लेकिन जो आपने वादा किया था संकल्प पत्र में 14 दिन का पेमेंट के लिए, और अगर उसमें ये कहा था कि 14 दिन से एक भी दिन ऊपर हो जाएगा तो ब्याज सहित हम किसान को पैसा देंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा सवाल केवल ये था कि 14 दिन में पेमेंट क्यों नहीं कर पा रही है सरकार, क्या क्या कारण है? जबकि गन्ना मंत्री भी आपकी मेरे ही क्षेत्र के हैं, हालांकि विधानसभा थाना भवन के, और आपकी पार्टी से हैं। जी जी अब आप सही जगह आ गए। जी तो जब गन्ना मंत्री यहाँ के हैं तो आप उनसे सवाल जी पूछे तो से बेहतर जवाब दे पाएंगे। लेकिन 3 तारीख के बाद उनको जी उनसे उनसे मेरी बात हुई थी, 3 तारीख के बाद उन्होंने समय दिया है, वो भी ग्रामीण भारत संवाद से जुड़ेंगे। और लेकिन जैसे कि आप बीजेपी के विधायक हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपसे बनता है, क्योंकि आपकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं देख रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी आपकी बातचीत रहती है, मंत्रियों से भी बातचीत रहती है, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं आप इसका जवाब आपसे जवाबदेही बनती है। जी ठीक बात है, सवाल तो बनता ही है क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं तो जी सवाल बनना चाहिए। और उसमें सुधार जी की बात मैं आपसे कर भी रहा हूं कि बहुत सारी मैंने खुद मैं आपको बता रहा हूं, पता नहीं पहली बार मेरी आवाज में बताई थी शायद, कि मैंने शामली मिल से बात की थी लास्ट ईयर। मैंने उनसे कहा मिल के प्रबंधन में जुड़े लोगों से, मैंने कहा ये पेमेंट की स्थिति, उनकी तरफ से एक जवाब आया। उस समय चीनी का रेट शुरू की बात है जब चीनी का रेट 26 रुपए के आसपास, तो प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि हम पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन हमें लोन नहीं मिल पा रहा है और लोन मिलने में दिक्कत क्या है कि लोन मिलने में बैंक ये बोलते हैं कि कितना रेट रहेगा चीनी का बाजार में, हमें इस बात की कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए हम आज अगर आपको 25-26 रुपए के रेट पे आपको लोन देंगे, कल अगर चीनी सस्ती हो गई तो हम कहां से पैसा वसूल करेंगे। उसी के कुछ समय बाद ही माने सतपाल सिंह जी उस समय मंत्री थे बागपत वाले, उनके नेतृत्व में लगभग 150-200 किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया और तब उन्होंने एक बफर स्टॉक की पॉलिसी अपनाई, उसमें 31 रुपए का रेट घोषित कर दिया गया था, वो 32 रुपए है कि कम से कम बैंक इतना मानकर इतना रेट तो रहेगा, सरकार उसके लिए जिम्मेदार रहेगी इतने दर के लिए, वो इतना मानकर आप मिल मालिकों को ब्याज पर पैसा दे सकते हैं इतना रेट मानकर। वो कहने के लिए आप कुछ भी कह लें, बहुत बड़ा कदम था अपने आप में ताकि मिल मालिकों की ऐसी स्थिति हो जाए कि उन्हें सामने से लोन मिलेगा तो किसानों को चुका सकते। हाँ 5 साल आपने हमें दिए, वादा 5 साल के लिए किया गया, निश्चित रूप से मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि 5 साल के अंदर अंदर हम 14 दिन तक लाकर इस स्थिति को जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत खराब हालात में मिले। हमें तो उस समय चीनी मिल सारे आईसीयू में थे जब हमें प्रदेश मिला, आज आईसीयू से बाहर आ गए, अपने भरोसे चलने लगे, तो आज हालात बदल रहे हैं और निश्चित रूप से हम उससे पहले पहले 14 दिन का पेमेंट देकर ही जाएंगे जितना समय आपने हमें दिया है। जी विधायक जी, जो आपके अच्छे कार्य हैं, आपकी सरकार के जो अच्छे कार्य है, कहीं ना कहीं उनको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनकी तारीफ बनती है, लेकिन विपक्ष का और एक
एक तरीके से पत्रकार का काम यही होता है कि कहीं ना कहीं जो वादे हैं उनको याद दिलाना सरकार को। अच्छी तो बात। मैं निष्पक्ष रूप से, जी मैं निष्पक्ष रूप से अपनी बात ये रख रहा था, जो मुझे चीजें लगी क्षेत्र के किसानों से मिलकर के, और मेरा, मैं खुद किसान पुत्र हूं, तो कहीं ना कहीं इस चीज की जो जो स्थिति अभी गन्ना पेमेंट की है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरफ आप जरूर, आशा करता हूं कि आदरणीय मंत्री जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आप आकर्षित करेंगे। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो गन्ने के डर से कहीं कनेक्शन भी अवरुद्ध होने लगा नहीं, आप। आपकी तरफ से बार बार स्वागत भी तो हो रहा है। जी, तो आप बात कंप्लीट कीजिए। जी, आप कह रहे जी, थे मैं गन्ना कह रहा हूं, पर्ची को लेकर जहां के। तक डर की बात है, हम ऐसी राजनीतिक पार्टी से हैं, हम जी चुनौती को सामने से लेते हैं, किसी जी दूसरे पे जिम्मेदारी नहीं डालते। अगर जी सत्ता में हम हैं, जी आपने देखा होगा, माननीय मोदी जी हैं चाहे माननीय योगी जी हैं, कोई ऐसी जी चुनौती नहीं है जो उन्हें अपने रास्ते से डिगा सके। हर जी चुनौती को अवसर में बदलना जी उनके डीएनए में है, जी इसलिए हम किसी चुनौती से भागने वाले नहीं। माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का ये मानना है कि देश के किसान बिना वजह किसी भी उसके परेशान न किए जाएं, उनका जीवन एक शांतिप्रिय सुकून भरा हो सके, उनके रास्ते की रुकावटें दिक्कतें हम दूर कर सके जल्द से जल्द, हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। अगर आप शुरू से देखेंगे, भले ही कहने के लिए कुछ भी कह दें, लेकिन जिस हालात में आज चीनी मिल पहुंच गई और जिस तरह लगने लगा, अगर अच्छे हालात ना होते तो गन्ने की पैदावार ज्यादा ना बढ़ती। जी ज्यादा पैदावार बढ़ना भी इस बात का संकेत है कि किसानों को ये भरोसा जरूर है। ठीक है, पेमेंट में कुछ देरी है, मैं मानता हूं, उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जहां लेकिन से हम गन्ना लेके चले पर्ची भी तो नहीं आती विधायक जी, गन्ना पर्ची भी तो नहीं आती, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इस कारण गन्ना पर्ची नहीं आती तो जो ये एक तरीके से जो गन्ना माफिया है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं इस बीच। नहीं, गन्ना पर्ची की जहां तक बात है, अभी सर्वे चल रहा है, जी 10वें राउंड के बाद सभी मिलों का सर्वे हो रहा है, और उनमें जिन किसानों का जितना भी गन्ना बचेगा वो सारा मिलों में जाएगा। वो जी सर्वे में जितना भी गन्ना मिलेगा उस सबको मील तक पहुंचाने की सरकार की जिम्मेदारी है, उससे हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। कहीं पर्ची माफिया की जहां तक आप बात कह रहे हैं, आपके संज्ञान में कोई बात होगी निश्चित बताएं, मैं उस चीज में आगे बढ़ूंगा। अगर कोई भी इस तरह का माफिया किसानों से जुड़ी किसी भी चीज में लिप्त है तो उसे बाहर किया जाएगा, और सीधा सीधा किसानों तक वो चीज पहुंच सके इसकी व्यवस्था की जाएगी। उससे आप निश्चिंत रहें, जी कोई भी समस्या आपके सामने आए वो बताएं। बिल्कुल जी गन्ना माफिया की हम बात कर रहे थे। गन्ना माफिया तो इस तरीके से एक्टिव है विधायक जी, आपके संज्ञान में एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि 325 का कहीं ना कहीं सरकार ने रेट निर्धारित कर रखा है किसान किसान को। तो जो गन्ना माफिया है वो कहीं ना कहीं कुछ लोग 200 में खरीद रहे हैं किसानों से, कुछ 250 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं किसानों से, और वो अपनी पर्ची में डलवाते हैं। इसकी ओर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो गन्ना माफिया हैं इन पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, ताकि छोटे किसान को, मध्यम वर्गीय किसान को उसके गन्ने के जो है दाम वो पूरे मिल सके। नहीं, मैं भी चाहूंगा कि आप मुझे बताएं अगर कहीं इस तरह तथ्य कुछ सामने आ रहे हैं आपके, क्योंकि आप एक पत्रकार की हैसियत से बात कर रहे हैं, या और अन्य कोई पत्रकार या किसी भी से आप सहायता लें इसमें। अगर आपको कोई चीज पकड़ में आए तो जरूर बताएं, मैं उस चीज को निश्चित रूप से दूर कराने की कोशिश करूंगा और उच्चतम स्तर तक पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन वो तथ्य सामने होने चाहिए। बिना तथ्यों के कुछ भी करना संभव नहीं, आप भी जानते हैं। जी आदरणीय विधायक जी, आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए, और आप ऐसे ही जो जनपद शामली की जनता को ऐसे ही आप अपने जो आप आपने जो वादे किए हैं उन पर खरा उतरें, और आशा करते हैं जो गन्ने की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उसमें सुधार की जरूरत है। अभी अभी पूरी तरीके से सुधार नहीं है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है इसी बीच चलते जी चलते, जो रबी की फसल जो है वो अभी तैयार हो चुकी है कहीं ना कहीं,
तो इसकी क्रय विक्रय को लेकर के किस तरह की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा खरीदने नहीं, क्रय केंद्र सारे काम कर के रहे लिए? हैं, सारे जी वहां खरीद की व्यवस्था पूरी तरह से है। जी बल्कि जहां किसान वहां तक नहीं जा सकते, तो उनका घर से जाने भी जी खरीद की व्यवस्था की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। अगर कुछ किसानों को लगता है कि वहां तक नहीं जा पाते किसी कारण तक, तो घर से भी उनकी खरीद की जा सकती है। यहाँ पर हमारे जनपद में भी जितने क्रय केंद्र हैं आप जाके देखें, सभी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि ये कोरोना की वजह से ऐसे काल में भी सारी व्यवस्थाएं बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की समस्या को लेकर किसी भी चीज से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। जी उन्हें पूरी तरह वो अच्छा निर्बाध एक रूप से सारे काम चल सके, जी इसकी व्यवस्था विधायक जी, एक सरकार से मेरा की। मेरा इसी को जुड़ा हुआ एक और सवाल था, जैसे कि गेहूं खरीद को लेकर के 20 रुपये प्रति क्विंटल काटा जा रहा है, जो कि पहले अखिलेश सरकार में 20 रुपये अनुदान दिया जाता था। नहीं, क्वेश्चन पूरा समझाए मुझे क्या आप। 20 रुपये प्रति क्विंटल एक तरीके से अगर गेहूं की खरीद में काटा जा रहा है पैसा किसान के खाते से, जी किस लिए काटा जा रहा है? ये आप ये समझ लो लेबर लेबर कॉस्ट एक तरीके से। नहीं देखो, मैं इसका पता करके तभी बोल पाऊंगा इस पर किस लिए क्या व्यवस्था बता रहे मुझे। नहीं, जो लेबर कॉस्ट है जैसे तुलाई ढुलाई, इसका 20 रुपये प्रति क्विंटल, उसको देसी भाषा में बोलते हैं करदा काटना, वो काटा जा रहा है कहीं ना कहीं 20 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि अखिलेश सरकार में 20 रुपये प्रति क्विंटल काटा जाता था, लेकिन 20 रुपये प्रति क्विंटल अखिलेश सरकार में अनुदान के रूप में मिलता था किसान को। वो तो यहाँ भी जाता है शायद खाते में आप शायद, वो तो यहाँ भी जा रहा नहीं होगा सर, व्यवस्था तो। नहीं नहीं, वो मुझे केवल इसके कट रहा है वो बारे में तो। पता जी करूंगा, जी आप मैं इस पर उपलब्ध रहूंगा, आप कभी भी मुझे कहेंगे उसके बारे में पता जी कर लूंगा उसकी क्या व्यवस्था है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं जी एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ। देखो, जी कोई भी राजनीतिक दल के लोग, जी मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जी मैं 100% ये कह सकता हूँ, देश के लोग मानते भी हैं कि हो सकता है जी कहीं कोई नीति में कहीं इधर उधर कोई बात रह जाए, लेकिन नियत जितनी देश के लिए देशवासियों के लिए जितनी स्पष्ट और जितनी साफ माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी या पूरी भारतीय जनता पार्टी है, ऐसी मैं जी चुनौती के रूप में कह सकता हूँ कहीं नहीं है। मैं अकेला उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो खुले में कह सकता हूँ कि मेरी पार्टी किसी गलत चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ती, हमेशा जी मूल्यों पर आधारित राजनीति करते हैं। जी गांधी जी के आधार पर आर्थिक चिंतन चलता है, लोकतंत्र में पूरी आस्था है, राष्ट्रवाद के जी प्रति पूरी आस्था है, एकात्म जी मानववाद के चिंतन को लेकर उस गरीब और अंतिम व्यक्ति तक चिंता करते हैं। आपने कोरोना के काल में देख भी लिया होगा कि जो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सरकार कम से कम खाने पीने की व्यवस्था, आपने ये भी देखा होगा किस तरह से राजस्थान से छात्रों को लेकर आना, किस तरह से हरियाणा से लोगों को लाना, मजदूर गरीब तबके के लोगों को भी जितनी व्यवस्थाएं उनसे भी ज्यादा बढ़कर काम करना, ये वास्तव में मन को संतुष्टि देने वाला होता है। वरना जी कई बार बहुत लोगों को तो ये रहता है कि हमारे नेताओं पर कितने आरोप हैं, उनको जी वो हम नेता कहते हुए शर्म आती है, वो कब जेल जा सकते हैं कब नहीं जा सकते इसकी कोई भरोसा नहीं। कम से कम इस जी पार्टी में रहकर सुकून के साथ हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्रवादी विचारधारा के राष्ट्रवादी सोच के नेता तो में हम काम कर रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में काम करने का इस हमने अवसर। जी आपके जो भी सवाल होंगे, आपके जो भी ये मेरी सवाल आपकी पहली और आखिरी मुलाकात नहीं है, जब भी आपको जी लगेगा जी मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, और अगर कहीं कोई त्रुटि होगी तो निश्चित रूप से उसे दुरुस्त कराने का काम भी करूंगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अच्छा, एक सवाल मैं भूल गया था हालांकि अभी, लेकिन वो मेरे ध्यान आ गया, जो अभी किसानों को लेकर के, जो किसानों की सुरक्षा को लेकर के आपका क्या कदम रहे हैं, जैसे किसानों को अभी क्या किया गया है, छूट दे दी गई है कि वो अपना गन्ना जो है वो मिल तक ले जा सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ चूक मैं देख रहा था। जैसे मैं थाना भवन शुगर मिल की बात करूं, तो वहां पर टोकन की व्यवस्था होती है, तो टोकन की व्यवस्था में क्या है कि अगर जैसे ग्रॉस वेट कराने के लिए पहले टोकन कटवाता है किसान, वो सेम टोकन फिर वो फिर खाली का तोल कराने के बाद वापस करता है, एक टोकन 24 घंटे में कम से कम 1,000 आदमियों के से वो टच होता होगा, तो कहीं ना कहीं इस ओर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि
जो बायोमेट्रिक सिस्टम है जब वो भी बंद हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये टोकन की जो व्यवस्था है ये भी बंद कर देनी चाहिए COVID-19 के चलते। चलिए मैं उसके बारे में पता करूंगा, और फिर भी अगर वो जी टोकन दे भी रहे होंगे तो वो वास्तव में उसे सैनिटाइज करके दिया जा रहा होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। अभी मुझे चूंकि उसका नहीं पता तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करूंगी फिलहाल कितनी समझता हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में पता जी करूंगा कि ऐसी व्यवस्था है तो उसको और दुरुस्त किया जाए और उसका सेफ्टी का जी ध्यान रखते ही चीजों को किया जाए। होते हैं जो इतिहास में दर्ज होते हैं, जी अपने पिताजी की अंतिम संस्कार की संस्कार प्रक्रिया में राजा का एक जी बहुत बड़ा उदाहरण बड़ा उदाहरण पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है, कि अपने जी आप में अनुकरणीय है, प्रेरणा लेने वाली बात है। जी अच्छा, मैं शामली तो जनपद, शामली जनपद से विधायक जी एक अच्छी खबर आ रही है कि अभी तक शामली जनपद में, एक आंकड़ा देख रहा था, अभी स्टडी भी कर रहा था कल शामली जनपद के बारे में, तो एक आंकड़ा देखने को मिला है कि मास्क बनाने में कहीं ना कहीं शामली जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में अव्वल आया है, जिसमें से 2,22,000 मास्क शामली जनपद में बनाए गए, और इसमें सबसे खास बात यह है कि 1,62,000 फ्री मास्क बांटे गए, तो कहीं ना कहीं यह एक सराहनीय कदम है शामली जनपद की ओर से, और इसमें हम आपका धन्यवाद करते हैं आदरणीय विधायक जी, और जो भी प्रशासन में आदरणीय डीएम मैम जो है जसजीत कौर जी, उनसे भी बात हो रही थी मेरी अभी फ़ोन पे परसों, तो उन्होंने भी ये जानकारी दी मुझे, तो ये कहीं ना कहीं शामली जनपद के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो जी कुछ कहना चाह रहे थे आप विधायक जी? में आप ठीक कह रहे हैं, जी जी जब डीएम और एसपी ही नहीं, जी मतलब उनकी चर्चा हो ही रही है उनके काम, बाकी जी समस्त जिले में जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इस जी भाव से लगे हुए हैं, जहाँ तक जी कि आज पुलिस के बारे में जो चर्चाएं होती थी जी और आज बिल्कुल क्या पुलिस वाले में आज दिखाई देता है लोगों को, भगवान का रूप दिखाई देता है। कोई पुलिस वाले थे जिनसे जी लोग देख करते थे या जिनसे मन में एक आशंका पैदा होता है, आज उन्हें देख के पैदा होता है, लोगों को लगता है कि हमें दोबारा के बोल हमारी मदद की होगी, जी ये अपने आप में, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे हमारे भाई हैं, चाहे पुलिस वाले भाई हैं, चाहे अन्य विभागों के जैसे जो लोग ड्यूटी पर जाना पड़ रहा है, जी जो सामान की आपूर्ति में या बैंक कर्मचारी इस जी बात से हम लाख काम कर रहे हैं, ऐसी महामारी में महामारी में जी ठीक मन में बहुत छोटा शब्द हो जाता है, जी उनको नमन करना ही मैं समझ नहीं, मैं कोई शब्द हो जी सकता है उनके, और उसी कारण बिल्कुल से जी आज उत्तर प्रदेश की स्थिति प्रदेश की स्थिति एक देश के सबसे सुरक्षित प्रदेश में, जी तो हमें डीएम साहब, चाहे अपने एसपी साहब, ये लोग जिस तरह के हुए जी पता नहीं क्या, मैं लेकिन जब भी अगर फोन करता हूँ जी कहीं ना कहीं किसी जगह ड्यूटी पर कहीं ना कहीं एंगेज मिले, जी मतलब ये सोच कर कई बार हैरत होती है जी हमें सुबह जी 5:30 बजे से लेकर, तो मन में संकोच रहता है कि मैं फोन काम ना छूट जाए, जी इसी टाइम डिस्टर्ब ना कर सके, वो कोरोना को लेकर किसी कार्यक्रम ठीक है, फिर भी कोई करीब जी के लिए है, इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं, यहाँ के जी नागरिक भी जो अपने घरों में रहकर खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि जी कोरोना से लड़ने की सबसे बड़ा हथियार यही है घरों में रहना, जी बाकी सब चीजें की बात की है जी ठीक अच्छा है। विधायक जी आपसे दोबारा मैं विनती करना चाहूँगा, आपकी जो वॉइस है वो ब्रेक हो रही है कहीं ना कहीं, आपका जो हेडफोन है जी हाँ थोड़ा सा, जी हो सकता है मैं थोड़ा पास आ गया, जी 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 बिल्कुल जी। विधायक जी मेरा जो अगला सवाल है आपसे, जैसे शामली सदर के आप विधायक हैं, तो शामली सदर व ग्रामीण क्षेत्र के फैलाव को रोकने में आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए? देखो जो शासन और प्रशासन या जी हमारे स्तर से आप कोई बात कह सकते हैं, जी उससे पहले मैं बधाई दूंगा सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जी वहां पुलिस के जाने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी, आवश्यकता नहीं पड़ी, वहां जी डॉक्टर्स के जाने की या कोई चेतावनी देने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी, आवश्यकता नहीं पड़ी, जी वास्तव में मैं ईमानदारी से कहूं तो कभी हमारे मन में भ्रम रहता था जी यूरोप के देशों के लोग हमसे बहुत पढ़े लिखे हैं, जी
और वो बहुत कानून का पालन करते हैं, वो हमसे हर चीज में आगे हैं, लेकिन शहरों में तो जरूर पुलिस को भी कई जगह रुपी का दर्द, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि गांव में जिस तरह लोग निकल के आए उन्होंने खुद को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, साथ साथ खुद मदद कर रहे हैं, पड़ोसी गांव के जिम्मेदार लोग सामने आकर कर रहे हैं कि मेरे पड़ोस में मेरे गांव में आपकी सारी चीजें बात की, आज तो भोजन मिलना ही प्राथमिकता है, तो मैं इसका श्रेय मैं चाहूँ कि मुझे मिले, किसी और को मिले, पूरा का पूरा गांव वालों को, उनको भी नमन करता हूँ व्यवस्था गांव में की हुई है, दिखाई जा रही है अभूत ये ऐतिहासिक देश के लिए, इतनी बड़ी महामारी कभी नहीं आई, इस तरह एक सैनिक की तरह अपने कर्तव्य की पूर्ति गांव के लोग कर रहे हैं, वास्तव में बहुत सराहनीय है, अनुकरणीय है। जी अच्छा, एक विधायक जी, एक जो मामला है तबलीगी जमात को लेकर के, और दुर्भाग्य से जो मौलाना साद है वो कहीं ना कहीं शामली जनपद अंतर्गत ही आता है, कांधला का वो रहने वाला है, तो शामली की अगर मैं बात करूं 18 केसेस एक्टिव थे, उसमें से 14 जमात के लोग थे, तो जो जमात के लोग थे जो तबलीगी जमात है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी देखो, अभी तक जो जमात के लोगों का सामने आई थी चीजें, सबके मन में ये रहता था कि केवल धर्म का काम करते हैं, उसके प्रचार का प्रसार का, लेकिन इस बार इनकी भूमिका से देश में वो संदेश नहीं जा पाया जो जाना चाहिए। बहुत कहने के बाद भी ऐसी विपत्ति काल में बचकर छुपना और कहीं रहना समस्या को बढ़ाना, अच्छी बात ये होती कि उस सामने आके खुद को प्रस्तुत कर देते। बीमारी किसी को लग सकती है, लेकिन बीमारी के बाद छुपना उनके छुपने से भी ज्यादा, उन लोगों को भी मानता हूँ कि जिन लोगों को निकालना करने की बात हमारे और भी राजनीति, मुझे इस बात से बड़ा अजीब सा लगा कि किसी को कम से कम ये तो कह दे, बीमार है तबलीग के लोग अपना इलाज करा, वोट बैंक का फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं कि उनको ये कह सके। हमें बहुत लोगों ने एडवाइस दी, बहुत सारी बातें चली, फलाने नेता ने कब कहा, उसने 30 में कह दिया, 12 फरवरी में कह दिया, लेकिन 30 जनवरी और 12 फरवरी या अमेरिका के राष्ट्रपति देश में नहीं आ गए, देश में इस तरह से सीए को लेके हंगामा होता रहा, नेता की आवाज नहीं भाई, कम से कम पीड़ित की नगर, बहुत बड़ी महामारी है, करते रहे भाषण भी देते रहे, लेकिन भाग में अन्य लोगों को प्रदर्शन करने कभी नहीं कर। जी जी, समय इस कारण से ही स्थिति यहाँ तक पहुंची। जी मैं तबलीगी जमात के लोगों का एक तरह समझदारियां दिखाना, इस समस्या को और बढ़ाने की तरफ गया, घटाने की बजाय, अगर ये समस्या तो शायद हम पहले ही लॉकडाउन काफी हद तक बाहर आ गए। तो कहीं ना कहीं आप जरूर, जी आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि तबलीगी जमात का इसमें कहीं ना कहीं रोल है, जो 14 जो मामले शामली में आए थे, और मैं देख रहा था थाना भवन में, जी 12 मामले खुद थाना भवन विधानसभा में थे, और जिसमें से 10 लोग तो बांग्लादेशी पकड़े गए वहां से, तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, और इस ये जांच का विषय भी है इन फ्यूचर। हाँ नहीं, तो माननीय गृह मंत्री जी हैं अपने, ये उनका विषय है या प्रदेश सरकार का विषय है, जो चीज है इसके लायक चलेगी, कानून अपना काम करेगा, कहीं कोई गलती होगी किसी की भी, उसने किसी के लिए अच्छा अलग से कोई व्यवस्था नहीं, सबके लिए बराबर है कानून। जी विधायक जी, अच्छा जो विधायक जी, मेरा जो अगला सवाल है, जैसे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के चलते
राशन की क्या व्यवस्था की गई, क्योंकि देखो मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात बताऊं, विधानसभा थाना भवन के अंतर्गत मेरा गांव आता है मनट, तो यहाँ पर 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन की व्यवस्था की गई। तो विधानसभा थाना भवन में या मतलब कुछ अलग है या सेम व्यवस्था वहां पे भी थी? जी नहीं, वो तो राशन का एक ही माना के सब जगह, पूरे उत्तर जी प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जी जो उनके लिए, जिसके लिए एलिजिबल है, जो उनके लिए निर्धारित किया गया है, सबको उतना ही राशन दिया गया है। उसके जी अलावा लेकिन केंद्र सरकार से जो, कुछ लोगों के आरोप थे कि उनको राशन नहीं मिल पा रहा, कुछ डिपो धारक जो नहीं है कहीं अगर उनको ऐसी, परेशान करने। जी हाँ अगर कुछ जगह ऐसी शिकायत आई, जैसे मेरे यहाँ भी कांधला में, जी तो वहां की पुलिस ने अच्छा काम किया, वहां दो राशन विक्रेता भी पकड़े गए हैं सामग्री जी जी के साथ में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात और देखिए सबसे बड़ी बात कि देखिए एक राशन विक्रेता कांधला जैसे कस्बे में पकड़े जाए एक दो, जी मुख्यमंत्री के स्तर से संज्ञान लिया जाए, संज्ञान लिया जाए जी कल्पना से बाहर की बात। कल्पना से बाहर की बात आज जी आज उत्तर प्रदेश और प्रदेशों से आगे इसलिए दिख रहा है, तो भी कोई पुलिसिया इसके बारे में निर्णय ले जाता है। निर्णय ले जाता है जी आमतौर से एक मान्यता थी कि मान्यता थी कि अगर अगर कोई कोई फैसला फैसला लेते हैं, लेते मुख्यमंत्री जी आज बोलते हैं, हैं तो उसका पालन होने में 2-4 दिन की, दो एक चार दिन नॉर्मल एक लोगों को लगता था 2-4 दिन लगेंगे, दो चार दिन लगेंगे आज तो जी कहा है। आज तो कहा है लेकिन आज लेकिन आज उनके बोलते ही उनके तत्काल बोलते वो ही फैसला लागू तत्काल हो वो जाता है, फैसला पुलिस लागू हो जाता है तत्काल वो जी व्यवस्था कहीं बात पहले व्यवस्था से कहीं व्यवस्था बात करने पहले के से बाद ही वो व्यवस्था बताते हैं। करने के बाद ही वो बताते हैं जी ये इतनी जल्दी इतनी प्रतिक्रिया सरकार प्रतिक्रिया की तरफ जी से किया जाना, सरकार की तरफ से किया जाना इसी के कारण जी आज इसी हम के थोड़ा कारण आज हम अन्य थोड़ा अन्य प्रदेशों से ज्यादा प्रदेशों से सहजी से दिख रहे ज्यादा हैं, सहजी से दिख रहे हैं और धीरे धीरे जी और धीरे धीरे मुख्यमंत्री से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जी अच्छा विधायक जी, जो मेरा अगला सवाल है आपसे वो कहीं ना कहीं जाम को लेकर के है। शामली सदर विधायक होने के नाते जो शहर में जाम की स्थिति रहती है, जैसे गन्ने का सीजन आता है आप भी देखते हैं, और तमाम लोग जो है जाम की जो स्थिति बनी रहती है शहर के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भविष्य में और अभी तक आपके द्वारा इस पे क्या कदम उठाए गए? जी देखिए शामली जो जाम की समस्या की है, समस्या है जी वो कहीं ना कहीं कई मील मायने मील में, कई उसमें मायने में जी नहीं, मैं पूरे जाम की बात करता हूँ, बात करता मील हूँ का भी जी जी उसमें जी है, जी मील के मील कारण के से भी हो कारण से सकता भी हो है, सकता है बाकी जी ट्रैफिक बाकी वहां से बहुत ट्रैफिक वहां गुजरता से है, बहुत गुजरता है जी लेकिन जाम है तो जाम ही है, जाम है चाहे तो किसी भी जाम जगह, है चाहे किसी भी जगह जी 3 हाईवे हो गए नेशनल हो गए हाईवे, नेशनल हाईवे ये जी समस्या हमें समस्या विधानसभा हमें में मिली थी। विधानसभा में मिली थी जी जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, हमारी सरकार आई जी तत्काल इसका काम तत्काल शुरू हुआ, काम शुरू हुआ चाहे वो जी दिल्ली यमुनोत्री हाईवे है, यमुनोत्री हाईवे आज तो जी पानीपत आज तो खटीमा का पानीपत भी खटीमा का भी टेंडर हो चुका, टेंडर हो चुका जी आज आज मेरठ मेरठ करनाल को करनाल को ढूंढने सिस्टम जा में रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं जी वो सब भी इसी प्रक्रिया में है, काफी प्रक्रिया में है काफी हद तक हद तक फोर लेन की फोर लेन स्ट्रीट की की जगह स्ट्रीट पक्की की जगह पक्की और जी दिल्ली से बढ़ते हुए और दिल्ली से अब बढ़ते शामली हुए के अब बाईपास का शामली के काम चल बाईपास रहा का है, काम चल रहा है जी इस कारण ये रहा कि इस बार बरसात के कारण से बरसात के कारण से मिट्टी का काम मिट्टी होता है का काम कच्चा, होता है कच्चा बरसात के कारण से बरसात के डिस्टर्ब कारण से जरूर होता है। डिस्टर्ब जरूर होता है जैसे ही बाईपास जैसे ही सिस्टम बाईपास दिखेगा, सिस्टम कानपुर दिखेगा रोड पे कानपुर मिलेगा, कानपुर मिलेगा रोड पे जी शामली की जी जाम की समस्या जाम की परेशानी समस्या कम परेशानी जाएगी, कम जाएगी जहाँ जहां तक मेरे तक मेरे प्रयास की बात है, प्रयास तो की बात है जी मैं समझता हूँ शायद मैं शायद मैं कहीं कहीं भी इसके लिए भी इसके प्रतिवेदन लिए देने वाला प्रतिवेदन शायद देने मैं वाला एकमात्र शायद मैं व्यक्ति एकमात्र होगा, व्यक्ति मुझे होगा नहीं लगता जी दिया नहीं होगा, लगता दिया होगा मैंने विधानसभा में भी उठाया, विधानसभा हर में भी उठाया जगह जी मुझे हर कोई जगह सवाल मुझे सवाल उठाने का मौका उठाने मिला का तभी मौका मिला उठाया, तभी उठाया और जहाँ पे भी चाहे जहाँ पे भी वो चाहे वो मिठाई के लोगों से, मिठाई के चाहे लोगों से मान्य चाहे गणमान्य मान्य गणमान्य गणमान्य जो गणमान्य भी उसके बारे में हो उसके सकता बारे में था हो सकता था अब जी प्रयास पूरा किया गया, पूरा किया गया और जिस तरह से जिस तरह से पूरे देश में ही पूरे देश में ही जी गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए जिस ध्यान तरह हाईवे रखते बनाए हुए जा जो रहे हाईवे हैं, बनाए जा रहे हैं शामली के जी काम तो शामली बहुत के काम नजदीक तो है, बहुत नजदीक है ये जी सीजन ये मैं सीजन समझता मैं हूँ अंतिम समझता हो हूँ जा रहा अंतिम होगा हो जाम जा रहा का, होगा जाम का कंटी का सीजन से आप कह से आप सकते कह हैं, ठीक सकते हैं है कंटी ठीक के है कारण कंटी से भी के थोड़ा कारण फर्क से भी पड़ता थोड़ा है फर्क सेहत पड़ता है पे, सेहत पे लेकिन जब लेकिन जब बाहर के वाहन बाहर बाहर के से निकलने वाहन लगेंगे बाहर से निकलने लगेंगे वो वो चीजें चीजें एक वो चीजें एक सुनियोजित रूप सुनियोजित से रूप से चला चला कर कर जाम जाम की की स्थिति स्थिति उसे उसे दूर दूर जा 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 सकता है, उसे जा ढूंढा जा सकता है सकता ढूंढा है, जा सकता है उस पर जी कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा नजदीक है है, नजदीक है। नहीं ऐसे लोग जो शहर जी शहर के जी अंदर कहीं ना कहीं जाम रहता है, जैसे मैं फाटक पे देखता हूँ गुरुद्वारा चौक से लेकर के हनुमान टीले से आगे और बस स्टैंड तक वहाँ जाम की स्थिति रहती है। तो शहर को लेकर के आपके क्या कदम क्या कदम आपने उठाए देखिए हैं और भविष्य की क्या रूपरेखा है? जी आप आप जो जो ट्रैफिक ट्रैफिक चल रहा चल है रहा है उसे जी तो आप रोक नहीं उसे तो आप सकते, रोक नहीं सकते
जी तीन बिल्कुल नेशनल हाईवे होने के कारण ट्रैफिक, जी जैसे ही बाईपास बनेगा जी बाहर का ट्रैफिक है, कार है चाहे ट्रक है चाहे और वो बाहर से बाहर निकलने लगेंगे, तो शहर जी का जो बाहर का परिसर है वो बंद हो जाएगा। लगभग जी इसमें तो ऐसा था 20,000 वाहन प्रतिदिन गुजर रहे हैं जी और बड़े बड़े हैवी हैवी लोडेड जाते थे वहां से, उसके जी कारण से सड़कों की जर्जर हो गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर से डाइवर्ट हो सकता है तो अंदर की स्थिति अपने आप ही ठीक हो जाएगी, बाकी जी मील के लिए जो भी को रास्ते छोटे बाईपास के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे साईं बाबा मंदिर का रास्ता आता है, या लीलोन खेड़ी में मील के सामने से रास्ता जाके मिलेगा, उन छोटे छोटे रास्ते के रूप काम किया जा रहा है ताकि वहाँ कार वगैरह फंस नहीं। अभी तो बाईपास के बिना पूरी तरह से निजात पाना तो मुश्किल है, कि हम ट्रैफिक को कहीं नहीं रोक सकते, ना मुजफ्फरनगर से कह सकते हैं ना इन लाल से कह सकते हैं। तो जैसी परिस्थिति में हमें मिला इस बार ये लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है, जी एक साल तो इसी में लग गया कि हाई कोर्ट में लग गया कि बात को नहीं पड़ी सकती, वरना पहले सरकार ने तो भुगतान ही करना जी आपने जल्दी दूर बात हो करी जाए। बाईपास की, जी जी विधायक जी आपने बात की बाईपास की। पहले मैं एक आंकड़ा देख रहा था, दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग बसपा सरकार में स्टेट हाईवे हुआ करता था जी, समाजवादी पार्टी सरकार में उसको कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे कर दिया गया और उसका उद्घाटन जो है आदरणीय जो हमारे सड़क मंत्री हैं राजमार्ग मंत्री जो हैं गडकरी जी ने, उन्होंने बागपत में इसका उद्घाटन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उद्घाटन किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने इसका सहारनपुर में उद्घाटन किया। तो पहले ये जो राजमार्ग था तो दिल्ली से यमुनोत्री था, लेकिन अब इसको दिल्ली से सहारनपुर कर दिया गया, इसके पीछे क्या वजह है जी? नहीं, दिल्ली से सहारनपुर कर दिया मतलब पहले ये जो स्टेट हाईवे था दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग कहा जाता था इसको जी, दिल्ली से यमुनोत्री, लेकिन अभी जैसे ये एनएच नेशनल हाईवे बना दिया गया, मतलब इसको दर्जा दिया गया है नेशनल हाईवे का, तो इसकी जो दूरी है वो घटा दी गई, दिल्ली से मात्र सहारनपुर तक कर दिया गया, तो इसके पीछे क्या राज है ये आप थोड़ा हमें नहीं, बताएं और उसमें हमारे जो दर्शक। जानकारी नहीं मिलता, हम किसी विषय पे कोई जानकारी कोई जानकारी नहीं गई तो उसके बारे में कुछ करना भी। जी एक नेशनल हवाई के मतलब है कि सिक्स लेन होगा, जी सिक्स लेन होगा लेन होगा या चौड़ा पे कितना जा सकते हैं वो उसका जाएगा। जी तो अंत में आप जो शामली की जनता है, सम्मानित जनता जो है शामली की, तो उसको आप क्या अपील करना चाहेंगे जी COVID-19 के चलते? अपील तो खैर मैं क्या कहूँ, मैं तो उनका धन्यवाद दे सकता हूँ, जिस तरह से जितनी जागरूकता से जितनी गंभीरता से लोग जी अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं वो वास्तव में अभूतपूर्व है, जी तभी लोग घरों में रहे हैं, क्योंकि जी ये बहुत बड़ा उलटफेर है पूरी दुनिया में, जी कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही भी जी जो इसके जाने के बाद सामने आएंगी। अभी बहुत लोगों के उद्योग बंद हैं, बहुत लोगों का जिनका करोड़ों करोड़ रुपए का टर्नओवर महीने में होता था जी आज उनकी सारी फैक्ट्री सारी चीजें बंद हैं, सारे व्यवसाय चौपट हैं। लेकिन जैसे माननीय मोदी जी ने कहा जान है तो जान है, सब बचेंगे तो फिर सब चीजें खड़ी हो जाएंगी, फिलहाल सब अपनी और अपने परिवार की हिफाजत करें और उसके लिए सबसे अच्छा और एकमात्र रास्ता यही है कि घरों में रहें बिना वजह बिना किसी विशेष परिस्थिति के, सड़कों पर ना आए इधर उधर ना जाए, अपना ध्यान रखें, यही देश के लिए आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम हर आम नागरिक की, तब उसका पालन करें। और एक चीज के लिए बधाई दूंगा कि जिस तरह से आज एक समाज का चेहरा सामने आया भारतीय दर्शन का, जो सामने दिखाई दिया इस किताबों में पढ़ते थे, लेकिन जिस तरह से आज एक दूसरे की मदद करने के लिए लोगों के हाथ सामने आ रहे हैं वो वास्तव में अभूतपूर्व है, ये प्रेरणा मिलती है इससे। और एक आदमी इस बात की भी चिंता कर रहा है कि मेरे पास 15 दिन का राशन है तो पहले मेरे पड़ोसी को दे दो क्योंकि उसके पास 2 दिन का भी नहीं, तो ये वास्तव में बड़ी अच्छा माहौल है। ठीक है, कोरोना के कारण से सारी विपत्ति है लेकिन वो बहुत सारे सबक और बहुत सारी चीज हमें सिखा के भी जा रही है, उनसे जी विधायक भाईचारा जी बढ़ाया है।
आपने बहुत अच्छी बात कही विधायक जी, और कहीं ना कहीं हम लोगों की भी भूमिका रहती है, जो अच्छा कार्य कर रही है सरकार उसको बिल्कुल हम जनता के सामने रखें, लेकिन जहां कमियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन कमियों को भी उजागर करके हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके सामने रखें, ताकि समय रहते वो जो कमियां हैं उन पर काम हो। जी, तो आपने मैं बहुत आप बेबाक हाँ जी 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 एक जी चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने कहा हमारे जो भी जी कार्यक्रम होते हैं ना, संघ जी के भी कार्यक्रम होते हैं, आम तौर से हम उसमें अध्यक्षता का कार्य या अध्यक्षता की जिम्मेदारी ऐसे आदमी को चुनते हैं जो हमारे घोर विरोधी होते हैं। जी और इसलिए एक बार माननीय जयप्रकाश नारायण भी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर चुके, ताकि दूसरे के नजरिए से हमें अपनी कमियों का बेहतर पता चल सकता है। तो अच्छी बात है, जी आप जितनी भी चीजें हो अच्छे से खोजें। मेरा तो बल्कि आपसे कहना, खूब ध्यान लगा के चीजों को नोटिस करें और नोटिस करके हमें उनके बारे में बताएं, ताकि उनसे होने वाली हानि से बचा जा सके और समय रहते उस चीज को दुरुस्त किया जा सके। आपका बहुत बहुत आभार, आप इन चीजों में लगे हुए हैं, जिस भावना से आप काम कर रहे हैं, वास्तव में इसी भावना से सभी सोशल मीडिया से या मीडिया से जुड़े लोग काम करें, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। कभी भी आपको लगे कि कोई भी चीज आपके मन में हो, तो जी जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। जी आदरणीय विधायक जी, आप ग्रामीण भारत संवाद से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बेबाकी से आपने मेरे सवालों के जवाब दिए, और आगे भविष्य में भी आप जो भी मुद्दे हैं और कहीं कहीं ना कहीं जो कुछ कमियां हैं उनको लेकर के मैं फिर भविष्य में भी आपसे कहीं ना कहीं जुड़ता रहूंगा, इसी आशा के साथ नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका, सभी मित्रों का जो इस समय लाइव उस पर चल रहे थे, सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।